ओके आई होप आपको आप लोगों को अभी भी स्लाइड्स दिख रही हैं। मैंने आप लोगों से जैसे बोला कि टेंपल आर्किटेक्चर में हमने अभी तक रॉक कट आर्किटेक्चर देखा था, अब हम लोग स्ट्रक्चरल टेंपल्स देखेंगे। मतलब हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी डिस्कस करा था कि वो टेंपल्स जो दो एलिमेंट्स को जोड़कर टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर या बिल्डिंग के एलिमेंट्स को जोड़कर बनते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को सबसे पहले समझना है चार टेम्पल्स को, फोर टेम्पल्स हु हैव बीन अर्लियस्ट, और उन टेम्पल्स को हम देखते हैं एज प्रीकर्सर फॉर प्रॉपर एलैबोरेट डेवलप्ड टेम्पल आर्किटेक्चर, है ना। अब वो चार टेम्पल्स क्या हैं? चार टेम्पल्स बेसिकली आपके गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स हैं ये। दे आर वन वेरी अर्ली टेम्पल एट एहोल, एहोल इज अ प्लेस इन कर्नाटका। इसका क्या है, मैं आपको अभी इमेजेस भी दिखाऊंगी तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। जो एहोल वाला टेम्पल है, इट इज लाइक एन अर्लीस्ट वेरी बेसिक आइडिया या वेरी बेसिक टेम्पल स्ट्रक्चर। उसमें एक रूम है छोटा सा जिसको हम गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह, मंडपा, शिखरा, ये सारे टर्म्स हम अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम लोग को बस ये समझना है कि जो अर्लीस्ट टेम्पल है उनके क्या फीचर्स हैं, वो कैसे थे या कैसे बने हुए थे, है ना। सो मैसूर पे जो टेम्पल है आपका, सॉरी नॉट मैसूर, एहोल में जो टेम्पल है आपका, इट्स वेरी स्मॉल, इट्स बिल्ड ऑफ बोल्डर लाइक रॉक्स। बोल्डर क्या होते हैं? वो रॉक्स जो चिजल नहीं करे गए, वो रॉक्स जिनको कोई शेप नहीं दिया गया, मतलब जो पत्थर के ढेले होते हैं बड़े बड़े, उस तरीके की रॉक्स को जोड़कर बनाया गया एहोल वाला टेम्पल। इसका बेसिक प्लान क्या है? सिंपल सा स्क्वायर सेल है जिसके आगे एक वरांडा है। वरांडा आई थिंक सब लोग समझते होंगे, बरामदा जिसमें ओपन होता है यूजुअली, और कुछ पिलर्स लगे होते हैं, है ना। जब हम अभी इमेज देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है टेम्पल का, जो अर्लीस्ट टेम्पल, अर्लीस्ट structural temple in India is at Ehol, and uska ye plan hai that there is a square cell fronted by a veranda. The veranda is supporting a roof, obviously veranda pe roof hota hai, and that roof is being supported by four pillars, okay. And iska date around place kara jata hai from 300 to 350 AD, है ना। मतलब ये आपके क्रिश्चियन एरा में है, इट्स नॉट बीसी, इट्स एडी, राइट। तो ये आपका एक हो गया सबसे अर्लीस्ट एहोल टेम्पल, इसको याद रखिएगा नाम भी और इसके क्या बेसिक आर्किटेक्चरल डिटेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमको जो ध्यान रखनी है वो है द नेक्स्ट टेम्पल। हम लोग क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं, ये 350 AD में अराउंड बना, फिर अराउंड 400 AD हमको एक टेम्पल मिलता है सांची में। सांची में जहाँ पर स्तूप है उससे थोड़ी ही दूरी पर देयर इज दिस टेम्पल जिसको आप कहते हैं टेम्पल नंबर 17, राइट। ये जो टेम्पल है, ये जो एहोल वाला टेम्पल है, उस टेम्पल के अबव इट इज अ स्लाइट डेवलपमेंट। सो इट्स अ स्लाइट डेवलपमेंट ओवर द टेम्पल एट एहोल। स्लाइट डेवलपमेंट किस फॉर्म में कह रहे हैं हम, कि कुछ चीजें जो हैं तो थोड़ी रिफाइन हो गई हैं, जो बहुत क्रूड थी, बहुत रफ थी इन द एहोल टेम्पल, दे हैव बीन रिफाइंड इन दिस टेम्पल नंबर 17 एट सांची। यहाँ पे स्टोन्स आर स्मॉलर, दे आर नीटली लेड आउट। आपको ये समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन पे, है ना। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज ऐड करी गई है वो है आपके जो परनाले होते हैं, जो ऊपर से पानी को बहाने के लिए, जैसे छत पे पानी अगर भर गया तो उसको निकालने के लिए देयर इज अ पाइप दैट इज एडेड, वो यहाँ पर हमको मिलता है, जो हमको एहोल वाले फर्स्ट टेम्पल में नहीं मिलता है। ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एडिशन। इसके अलावा जो आपके फोर पिलर्स थे एहोल वाले टेम्पल में, उसमें जो फ्रंट के टू पिलर्स हैं दे आर स्टिल देयर इन दिस टेम्पल, और जो पीछे वाले जो दो पिलर्स थे उनको उन्होंने वॉल में मर्ज कर दिया। अभी हम लोग देखेंगे जब उसका इमेज तो ज्यादा क्लियर होगा। तो पीछे वाले जो पिलर्स हैं, बिकॉज उनका कोई ऐसा खास पर्पज नहीं है, आगे जो पिलर्स हैं दे आर सपोर्टिंग द रूफ, बट जो पीछे वाले पिलर्स हैं दे आर नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ वॉल दैट इज सपोर्टिंग द रूफ, तो वहां पे उनकी जरूरत नहीं है। सो दे हैव बीन मर्ज्ड विद द वॉल इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका द सेकेंड टेम्पल क्रोनोलॉजिकली, दैट इज एट सांची।
नेक्स्ट टेम्पल इज नोन एज लार्ड खान टेम्पल अगेन एट आईहोल एंड इट इज बिल्ट अराउंड 450 AD, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है इन द आर्किटेक्चुरल फीचर्स ऑफ दीज टेम्पल्स जो हमें दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, श्राइन को बड़ा कर दिया गया है एंड देर इज अ सर्कम एम्बुलेटरी पाथ विच इज एडेड अराउंड द श्राइन। सर्कम एम्बुलेटरी पाथ यू पीपल आर फेमिलियर विथ, प्रदक्षिणा पथ जिसपे जो डिवोटीज हैं, जो वर्शिपर्स हैं, जो चक्कर काटते हैं श्राइन का इन ऑर्डर टू पे देयर होमेज। और इससे पहले जो दो टेम्पल्स थे उसमें हमको वो सर्कम एम्बुलेटरी पाथ नहीं मिलता है। यहाँ पर जो लार्ड खान टेम्पल है एट आईहोल डेटेड अराउंड 450 AD, उसमें हमको ये पर्टिकुलर वो मिलता है, पर्टिकुलर एलिमेंट मिलता है ऑफ आर्किटेक्चर विच इज नोन एज सर्कम एम्बुलेटरी पाथ। यहाँ पर द सर्कम एम्बुलेटरी पाथ इज कवर्ड, दैट मीन्स इट इज इंटायरली पूरा कवर्ड है, ओपन नहीं है, बट बिकॉज इट वुड बी वेरी कंजेस्टेड एंड वेरी सफोकेटिंग, तो इस वजह से जो वॉल्स हैं उस सर्कम एम्बुलेटरी पाथ की, उसमें उन्होंने परफोरेटेड स्क्रीन्स, परफोरेटेड मतलब जाली बनी हुई स्क्रीन्स, मतलब उन्होंने जालियां ऐड करी हैं ऑफ स्टोन्स इन ऑर्डर टू लेट एयर एंड लाइट गेट इन टू द सर्कम एम्बुलेटरी पाथ। ठीक है, ये तो हमको बेसिक आइडिया मिल गया। अब इसमें क्या है, देयर इज अनदर थिंग दैट इज ऑब्जर्व्ड हियर, दैट इज एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द रूफ। जो छत है इस टेम्पल की, उसमें हमको एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मिलता है, वो क्या मिलता है कि दैट देयर इज अ स्लोपिंग रूफ दैट इज विजिबल एट दिस लार्ड खान टेम्पल। एंड ये जो आपका टेक्निक है स्लोपिंग स्लैब से रूफ बनाने की, जो इनके स्कॉलर्स हैं आर्किटेक्चर के, वो आर्ग्यू करते हैं कि दिस हैज बीन डिराइव्ड अगेन फ्रॉम वुडन आर्किटेक्चर या वुडन प्लैंक्स जिस तरीके से लगाए जाते थे स्लोप या टेढ़े करके या स्लोप बनाते थे छत पे, उसी तरीके से यहाँ पर स्टोन स्लैब्स यूज करे गए हैं। अगेन अ रेपिटेशन ऑफ द वुडन आर्किटेक्चर बीइंग रेप्लिकेटेड इन स्टोन, जो हमने सांची में देखा, जो हमने अजंता में देखा, एलोरा में देखा, एंड नाउ इन दीज स्ट्रक्चरल टेम्पल्स वी आर ऑल्सो फाइंडिंग सिमिलर आर्किटेक्चरल मोटिव्स वेयर वुडन टेक्निक्स आर बीइंग अप्लाइड टू स्टोन्स, है ना। तो ये तो आपका एक एडिशनल फीचर हो गया कि जो रूफ है इट इज मेड ऑफ स्लोपिंग स्लैब्स ऑफ स्टोन्स, है ना। वन थिंग दैट वी फाइंड हियर इज अ शिखरा। शिखरा क्या है, हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी आप लोग बस ये समझ लीजिए जो आपका गर्भगृह होता है। गर्भगृह क्या है, इट्स अ प्लेस, इट्स अ स्मॉल रूम जहां पर मेन डेटी ऑफ द गॉड टू विच द टेम्पल इज डेडिकेटेड इज केप्ट, वो जगह जहां पर जिस गॉड का टेम्पल है उनकी मूरत रखी जाती है, तो उसको हम गर्भगृह कहते हैं। उसके ऊपर देर इज अ टावरिंग स्ट्रक्चर दैट इज बिल्ड यूजुअली इन द नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल, जिसको हम शिखरा कहते हैं। और इससे पहले जो दो टेम्पल्स हैं उसमें हमको शिखरा नहीं मिलता है, बट इन लार्ड खान टेम्पल एट एहोल वी फाइंड सर्टेन प्रीकर्सर्स ऑफ अ प्रॉपर शिखरा। हमको यहाँ पर एक स्मॉल टरेट मिलता है, टरेट इज अ स्मॉल एक छोटी सी यू कैन स्मॉल मिनरेट, अ स्मॉल टेपरिंग प्रोजेक्शन, है ना, एक हल्की सी उठी हुई चीज मिलती है जिसको हम स्मॉल टरेट कह रहे हैं। और वो आपके सैंक्टम सेंक्टोरम, कंफ्यूज मत होएगा, गर्भगृह एंड सैंक्टम सेंक्टोरम आर द सेम थिंग, है ना, या सैंक्टम भी कहते हैं अगर पूरा नहीं बोलना है, या गर्भगृह बोलना है, सैंक्टम भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी नो कि जो आपका ये टेम्पल है लार्ड खान टेम्पल, इसमें हमको एक ये प्रेडिसेसर ऑफ अ शिखरा मिलता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल टरेट। नेक्स्ट इज द फाइनल फोर्थ टेम्पल दैट वी आर गोइंग टू लुक एट, जो अर्लीस्ट टेम्पल्स हैं, ये है आपका लार्ड खान टेम्पल इज डेटेड अराउंड 450 AD, एंड उसके करीब 100 साल बाद ये टेम्पल मिलता है, दुर्गा टेम्पल विच इज अगेन एट एहोल, एंड इसका टेम्पल इसका आर्किटेक्चर इज फर्दर डेवलप्ड। कैसे डेवलप्ड है, इसमें जो आपका प्रदक्षिणा पथ है, सर्कम एम्बुलेटरी पाथ जो है, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ
पूरा बंद नहीं है चारों तरफ से, इट्स इन द फॉर्म ऑफ पिलर्ड वरांडा. बहुत दे आर नंबर ऑफ पिलर्स दैट आर देयर, दे आर दीज पिलर्स दैट आर रनिंग अराउंड द श्राइन, एंड उसके वजह से बीच में पैसेज क्रिएट हो जाता है विच इज यूज एज अ सर्कम एम्बुलेटरी पाथ और अ प्रदक्षिणा पथ, है ना. इसमें ऑब्वियसली बिकॉज खाली पिलर्स है, सो देर इज अ लॉट ऑफ एयर, अ लॉट ऑफ लाइट दैट कैन कम इन टू दैट पाथ, है ना. इसके अलावा एक एप्साइडल एंडेड स्ट्रक्चर है ये. एप्साइडल आपको याद होगा जब हम लोग चैत्यास पढ़ रहे थे, चैत्यायन विहारा फ्रॉम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, जब हम चैत्यास पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि एप्साइडल क्या होता है, एक सेमी सर्क्युलर एंड, है ना, सेमी सर्क्युलर होता है एंड में, जैसे चौकोर नहीं होगा वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या रूम, उसके एंड में एक सेमी सर्कुलर कर्व मिलता है हमको, तो उस शेप को हम एप्साइडल शेप कहते हैं. और वो शेप हमको यहाँ पर इन दुर्गा टेम्पल एट एहोल हमको मिलता है. दैट आर्किटेक्चर इज दैट काइंड ऑफ स्टाइल इज फाउंड हियर. इसके अलावा द हाइट ऑफ द टेम्पल इज इंक्रीज्ड, द हाइट इज ऑलमोस्ट डबल्ड देन द लास्ट स्ट्रक्चर, एंड इंट्रेंस इज एट अ हायर लेवल ऑब्वियसली, बिकॉज हाइट बढ़ेगी तो इंट्रेंस भी आगे है एंड इंट्रेंस भी ऊंचा है. एंड जो आपका गर्भगृह है, पहले वाले जो टेम्पल है लाटकान टेम्पल, वहां पर एक छोटा टरेट था, यहाँ पर देर इज अ फाइन बिगर टरेट या बिगर एक हमको एक प्रोजेक्शन मिलता है ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है, देखनी है. एंड इसके अलावा द पिलर्स इन दिस पर्टिकुलर जो आपका वेरांडा है, जो आपका स्ट्रक्चर का जो आपका प्रदक्षिणा पथ के अराउंड वेरांडा है जिसमें पिलर्स हैं, उसमें हमको स्कल्पचरल मोटिव्स मिलते हैं. इससे पहले जो है स्कल्पचर्स बहुत मिनिमल स्कल्पचर्स मिले हैं हमको पुराने वाले स्ट्रक्चर्स में. नाउ लेट्स लुक एट दीज टेम्पल्स. ठीक है, बिकॉज आई कुडंट फाइंड एनी अदर इमेज ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल एट आई होल, तो आपको यही इमेज देखना पड़ रहा है अभी. सो दिस इज द इमेज दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. इसमें आपको नजर आ रहा है कि बहुत कोई फाइन नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी, सॉरी आई थिंक मैंने आपको हिला दिया उसको, हियर राइट. तो ये जो आपको नजर आ रहा है आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर पे कोई ऊपर शिखर नहीं है, बिल्कुल प्लेन रॉक्स हैं, रॉक्स को लगा दिया है साइड बाय साइड, एंड दैट इज हाउ द टेम्पल इज क्रिएटेड. यू कैन प्लीज ऑब्जर्व द फोर पिलर्स जो आपके वेरांडा में है. तो ये सिंपल अर्लीस्ट टेम्पल एट एहोल हमको ये नजर आता है, पीछे एक गर्भगृह है और आगे ये वेरांडा है जिसमें चार पिलर्स हैं. ठीक है, अब इसका एक एडिशनल इम्प्रूवमेंट हमको यहाँ नजर आता है एट सांची. दिस इज टेम्पल नंबर 17 एट सांची. यहाँ पर अगेन यू कैन सी अ बैक में देर अ रूम, देर अ गर्भगृह, नो शिखर ऑन द टॉप, एंड देर आर दीज पिलर्स. अब ये पिलर्स देखिए, जो पीछे वाले पिलर्स हैं जो फ्री स्टैंडिंग थे, मतलब वो दीवार से जुड़े हुए नहीं थे. यहाँ पे आपको ये इस वाले पर्टिकुलर इमेज में यहाँ पे यू पीपल कैन सी दिस गैप दैट इज देयर बिटवीन द वॉल एंड द पिलर्स एट द बैक. यहाँ पर वो गैप खत्म हो गया है, द बैक पिलर्स आर मर्ज विद द वॉल, दे हैव बिकम वन विद द वॉल, राइट. और जो आगे वाले एक पिलर थे उनको उन्होंने डिवाइड करके दो कर दिया है ना. तो ये आपका इम्प्रूवमेंट एक नजर आया. नाउ दिस इज द लाड खान टेम्पल, राइट, अगेन इट आईहोल. इसमें हमको देखिए नजर आ रहा है जो आपको मैं स्लोपिंग रूफ बता रही थी, है ना. दीज आर मेड ऑफ स्टोन, एंड जैसे देखकर हमको लग रहा है कि दिस इज समथिंग दैट इज रेमिनिसेंट, दैट रिमाइंड्स अस ऑफ अ टेम्पल, सॉरी रिमाइंड्स अस ऑफ अ वुडन आर्किटेक्चर, है ना. तो ये आपका एक तरीके से लाट खान टेम्पल के एलिमेंट्स हो गए. इसमें हमको अगेन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन दैट यू सी ऑन द टॉप, आपको एक छोटा सा प्रोजेक्शन दिख रहा है ऑन द टॉप ऑफ दिस रूफ, दिस इज द प्रीकर्सर ऑफ अ शिखर, है ना. नाउ द फाइनल टेम्पल दैट वी हैड लुक्ड एट, ये आपका दुर्गा टेम्पल अगेन एट आईहोल. ये जो टेम्पल है इसमें आपको एप्साइडल या एप्सिडल हॉल जो है वो नजर आ रहा है, ये सेमी सर्क्यूलर नेचर इसका. इसके अलावा आपको ये पिलर्ड वरांडा नजर आ रहा है विच वॉज यूज एज अ सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, एंड अगेन अ प्रॉपरली डेवलप्ड ऊपर का जो रीजन है जिसमें ये प्रोजेक्शन है विच विल इवेंचुअली बिकम अ
शिखर, है ना। तो ये आपके चार टेम्पल्स हैं, फोर अर्लीएस्ट टेम्पल्स दैट वी नीड टू नो दैट एग्जिस्टेड, दैट हैव बीन डेटेड इन द गुप्ता पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ये आपके गुप्ता पीरियड में ही फॉल करते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर, कि ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, या ये हमारे अर्लीएस्ट टेम्पल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमको इन रीजन्स में मिलते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू रिमेम्बर दैट, राइट। अब हम लोग आते हैं एलिमेंट्स ऑफ द टेम्पल। थोड़े बहुत तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिए, बट वी विल लुक एट देम इन डिटेल नाउ, ठीक है। क्या क्या एलिमेंट्स हैं? बेसिक फॉर्म जो आपका होता है हिंदू टेम्पल का, इट कंसिस्ट ऑफ अ सैंक्टम, सैंक्टम, सेंटोरम, सैंक्टम, गर्भगृह, ये सारी चीजें एक ही एलिमेंट को डिनोट करती हैं, एंड इसका लिटरल मीनिंग होता है वूम्ब हाउस, गर्भगृह, राइट। इट्स यूजुअली अ स्मॉल क्यूबिकल विद अ सिंगल एंट्रेंस, ऑब्वियसली एक सिंगल एंट्रेंस होता है, एंड गर्भगृह के अंदर आपका जो बेसिक आइकन है उस पर्टिकुलर गॉड का वो रखा होता है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द टेम्पल, है ना। इसके अलावा आपका जो एंट्रेंस होता है टेम्पल का, इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ पोर्टिको या कॉलोनेडेड हॉल। अब पोर्टिको या कॉलोनेडेड हॉल क्या होता है? पोर्टिको मतलब एक सॉर्ट ऑफ, इट इज काइंड ऑफ अ वरांडा और अ पोर्च, राइट। एक वरांडा की तरह होता है जिसमें पिलर्स होते हैं, है ना। और कॉलोनेडेड हॉल, कॉलोनेडेड मतलब पिलर्ड एक तरीके से हॉल है, विच इज यूजुअली अंडरस्टूड टू बी एज अ मंडपा, विच इज देयर इन ऑर्डर टू अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स, बिकॉज गर्भगृह इज यूजुअली अ स्मॉल स्पेस जहां पर ज्यादा वर्शिपर्स अकोमोडेट नहीं हो सकते। वो वर्शिपर्स को अकोमोडेट करने के लिए देयर इज दिस लोकेशन नोन एज मंडप या मंडपा, विच इज यूजुअली अ पोर्टिको, अ वरांडा और अ कॉलोनेटेड हॉल। इसके अलावा क्या एलिमेंट होता है आपके टेम्पल का? इट इज शिखर। हमने शिखर देखा, शिखर के प्रीकर्सर्स देखे। शिखर इज यूजुअली अ टावर लाइक स्ट्रक्चर, यूजुअली अ माउंटेन लाइक स्पायर, एक ऊंचा सा स्ट्रक्चर या ऊंची सी एलिमेंट, टावर लाइक एलिमेंट ऑफ ऑफ द टेम्पल, विच इज राइजिंग अबव द गर्भगृह। जो आपका जो गर्भगृह है, सैंक्टम सेंक्टोरम है, उसके ऊपर ये हमको शिखर मिलता है। शिखर इज दैट राइजिंग एलिमेंट इन द गर्भ, अबव द गर्भगृह। इट इज कॉल्ड शिखरा इन द नॉर्दर्न इंडियन वर्जन्स, एंड इट इज कॉल्ड विमान इन द सदर्न इंडियन वर्जन्स। एंड सदर्न इंडियन एंड नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल्स में इनके शेप में जो आपका एलिमेंट है, जो आपके गर्भगृह के अबव एक हायर राइजिंग एलिमेंट है ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, उसमें थोड़े से स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं। आपका जो है यहाँ पर इन नॉर्दर्न इंडियन रीजन, इट्स यूजुअली अ टावर विच कर्व्स टुवर्ड्स द टॉप, एंड इन विमाना स्ट्रक्चर या विमाना जो होता है आपका सदर्न इंडियन टेम्पल्स में, इट इज यूजुअली पिरामिडिकल, पिरामिड की तरह होता है। तो इट इज नॉट, when we look at the temples we'll get understanding of how they are like. So in southern Indian temples it is in the form of a viman, and it is in the form of a pyramid, steps ke tarike se wo upar jata hai, and steps ke tarike se wo concentrate hota hai. In tower jo aapka shikhar in northern Indian temples hai, it's like a tower, and suddenly on the top it merges, curves on the top, है ना। इसके अलावा और क्या हमको मिलता है? ये आपके बेसिक एलिमेंट्स हो गए। इसके अलावा हमको यूजुअली एक वाहन, वाहन मतलब जो आपका व्हीकल है ऑफ द गॉड, जो भी गॉड का वो टेम्पल है उनका एक व्हीकल का हमको डिपिक्शन मिलता है इन दैट टेम्पल, अलॉन्ग विथ सर्टेन पिलर्स। पिलर्स को हम ध्वज कहते हैं। हमने ये ध्वज कैलाश टेम्पल में भी ऑब्जर्व करे थे, है ना। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर देयर। इसके अलावा दिस ऑल्सो अनदर एलिमेंट जो बिल्कुल बेसिक नहीं है बट इट इज देयर, इट्स एन अंतराला। अंतराला हम लोग अभी जब इमेज देखेंगे तो उसमें हमें ज्यादा क्लियरली दिखेगा। अंतराला इज बेसिकली अ कनेक्टिंग रूम बिटवीन द गर्भगृह एंड द मंडपा, तो उसको हम अंतराला कहते हैं, ठीक है। ये जो इमेज है इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये आपका खजुराहो टेम्पल जो है उनका, उसका एक इमेज है, एंड इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द
मोस्ट डेवलप्ड नॉर्दर्न इंडियन मोस्ट डेवलप्ड टेम्पल्स इन नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल, है ना। और इसमें हमको ये सारे एलिमेंट्स नजर आते हैं जो हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व करे। और उसके अलावा जो टर्म्स यूज होते हैं बाकी एलिमेंट्स के लिए वो भी हमको नजर आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये इमेज दिख रही हो। इसमें देखिए जो सबसे पीछे वाला सबसे ऊंचा टावर है इसको हम कहते हैं शिखर, ठीक है। और ये जो उरु शिखर लिखा है ये तो शिखर के अटैचमेंट, शिखर के ऊपर जो छोटे छोटे और शिखर नजर आ रहे हैं उनको हम उरु शिखर कहते हैं। तो ये एक डेकोरेटिव एलिमेंट है ना। तो आपको बस ये समझना है कि शिखर उस लंबे वाले टावर को कहते हैं विच इज ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह, जो आपको गर्भगृह इसके नीचे होगा अंदर होगा इन द टेम्पल। इसके अलावा मैंने जो आपको अंतराला बताया था वो भी आपको नजर आ रहा है। अंतराला के ऊपर भी देर इज अ थोड़ा सा प्रोजेक्शन, टावर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद है। इसके अलावा मंडप, मंडप के ऊपर भी देयर इज अ टावर लाइक प्रोजेक्शन। तो अभी टावर लाइक प्रोजेक्शन हमको चारों या जितने भी एलिमेंट्स है टेम्पल में सब में दिख रहे हैं, बट द हाईएस्ट टावर लाइक एलिमेंट इज ओवर गर्भगृह एंड इट इज नोन एज शिखर, ठीक है। तो ये हो गया महामंडप, मंडप, अर्ध मंडप। ये तीन मंडप बेसिक होता है। अगर आपको कोई भी टेम्पल का बेसिक आर्किटेक्चर समझना है तो ये समझना है कि मंडप होता है और गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है। उसके अलावा फिर देयर आर मेनी एडिशनल एलिमेंट्स दैट आर देयर दैट आर ऑब्जर्व इन टेम्पल्स विच आर फुल्ली डेवलप्ड इन देयर आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स। उसमें ये सारी चीजें मिलती हैं हमको, अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप एंड देन अंतराला एंड देन द गर्भगृह, राइट। तो ये एक तरीके से इस तरीके से लीनियर फॉर्म में ये अरेंज है। ऑब्जर्व करिए कि ये एक लाइन में अरेंज है चारों एलिमेंट्स, चारों फोर एलिमेंट्स दैट आर देयर ऑफ गर्भगृह, अंतराला, महामंडप, मंडप, अर्ध मंडप। अगर हम अंतरालों का डे तो चार हैं वरना पांच एलिमेंट्स हैं जो एक लाइन में एक्सियली अरेंज्ड है, है ना। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं ऑफ नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल्स जो हम लोग को देखने हैं। अभी हम लोग नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल्स को डिटेल में देखेंगे, इसलिए अभी ये समझने की जरूरत है। जब हम लोग सदर्न इंडियन टेम्पल्स देखेंगे तब हम उनके जो एडिशनल एलिमेंट्स हैं, जैसे उसमें एक गेटवे होता है गोपुराम, विच इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ सदर्न इंडियन टेम्पल्स, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम उनको डिटेल में देखेंगे, है ना। अभी हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। लेट्स नॉट ओवरलोड आर अंडरस्टैंडिंग, अभी इतना समझने की जरूरत है, ठीक है। और प्रदक्षिणा पद भी आप लोगों को इसमें नजर आ रहा है, ये चारों उसके अराउंड एक पैसेज जिसमें लोग या वर्शिपर्स गो अबाउट, ठीक है। ग्राउंड प्लान बेसिक टेम्पल का आपका ये है, देखिए इट्स वेरी सिंपल। वो जो खजुराहो वाला मैंने टेम्पल दिखाया उसमें तो काफी डिटेल्ड और काफी आर्किटेक्चरली डेवलप्ड एक टेम्पल है। यहाँ पर एक बेसिक प्लान है, यूजुअली स्टेप्स होते हैं, मंडप, गर्भगृह एंड इसके चारों तरफ एक सर्कम एम्बुलेटरी पाथ। ये आपका सिंपल सा टेम्पल का ग्राउंड प्लान होता है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि शुड आई गो अहेड विद नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल्स या हम लोग बाद में डिस्कस करें, इट्स अप टू यू पीपल। अभी तक समझ में आया? आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाँ दैट्स अ गुड पॉइंट। आप लोग अभी इसको समझिए, है ना। वो जो चार टेम्पल्स शुरू में हमने डिस्कस करे उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, देन वी विल डिस्कस नगरा, द्रविड़ा एंड वेशरा स्टाइल इन द नेक्स्ट क्लास, या मैं उसके लिए आपको लेक्चर्स रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा अभी तक जितना पढ़ा टेम्पल आर्किटेक्चर में उसमें आप लोगों को सब समझ में आया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई? या अमिना, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक गॉड, बिकॉज आप लोगों को ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फिर हम लोग बाकी चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, आई विल गेट बैक टू यू रिगार्डिंग योर क्वेरीज जो आपके रिगार्डिंग उपनिषदिक फिलॉसफी थे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू पीपल, टेक केयर।